करना सर्व रजाई, मैं जो कुछ पिछे कीता है वो भी तेरी रजा विच तेरे हुक्म विच कीता। जो कुछ मैं अगों करना है वो भी तेरी रजा विच करना। कोई पूछे भी रजा तो बिना तो कुछ नहीं करना। सहवाग दिन कीता करना सर्व रजाई, फिर भी किछ की है। जो कुछ करना है असी उसकी रजा विच करना है, पर जितना तू कर सकते हाँ वो करिए जरूर। देरियां ढा के न बह जाइए भी जो कुछ उन्हें कराने आपे करा ले। जिवें किसी नूं आखिया भी तू अज सवेरे गुरुद्वारे नहीं आया, उन्हें आखिया जी तुहाडी कृपा ही नहीं, कई कसूर भी साडा, असी कृपा कर दे तां तू गुरुद्वारे आउंदा। असी कीती नहीं कृपा तू आया कोई नहीं, तां दोष भाई साडा, तेरा तो कोई ना होया। नहीं किछ कीजे, जितना क तू कर सकना है उतना क जरूर कर। कदे नहीं आन के कहिंदा जी मैं बीमार हाँ मेरे ते कृपा करो मैं डॉक्टर वल जावां, वो तो बिना पूछे ही जाता है भावे अद्धी रात हो। कोई नहीं आन के पुछता भी मैनू भुख लगी है कृपा करो तो मैं रोटी खा लूं, वो तो अपने आप खा लेंगे। बाकी सारे काम कर लेंदा है, जेड़ा काम इसने ना करना होवे या नहीं कीता वो साडे मत्थे डा देंगे, कृपा ही नहीं होगी। तो जे निरंकार ने कृपा करके ही अपना नाम जपाना है तो फिर जेड़े नहीं जप रहे उन्होंने क्या दोष है? आ सारी कृपा ही तो है बाणी, जेड़ी कृपा अगे तेरे उत्ते उसने कीती है तू उसका की गुण जाने। ये मनुख जन्म जो बख्शे है तेरे उत्ते कृपा करके ते नाल बाणी च कीती है तकीद, हजो गोविंद भूल मत जाओ। उस कृपा नू तू की जाने, एडी प्रतख
ताकीद ते तू कीती भूल गयो ते जे नहीं कर सकिया अज ते आखने मेरे ते कृपा ही तो कृपा सबना उत्ते है वाहिगुरु और खास करके नाम जपण वास्ते साहब चाहता है भी ये बंदा नाम ना जपे वह तो बार बार पै तकीदा करते ने दुर्लभ देह पाई वडभागी नाम ना जपे से आत्म करती फिर इतने ही बस नहीं आखिया मर न जाती जिना मिश्रत राम ये कृपा नहीं तो क्या उन्होंने मन मेर पई तो उन्हें सानू प्यार नाल भी समझाया असी ना समझे तो सानू तारना भी की कि मर न जाई जिना बिसरत राम नाम बेहून जीवन कौन खा कि नाम तो बिना तेरे जीवन का होर कम ही केड़ा सी नाम बेहून जीवन कौन काम खात पीत खेलत हस्त विस्थार यही कम कमन अर्थ मृतक सिंगार मुर्दे नु शिंगारी जाने किस ले मुर्दे नु कितना शिंगार है फिर मुर्दा ही है ना गल विच हार पा लै अतर फुरेल लगा लै और थोड़े चिर बाद इहदे विच सड़ियां उठे बदबू आवेगी फिर कीड़े पै जाने तो जो मुर्दा है उसनु शिंगारने का क्या लाभ आखिया जे नाम नहीं जपना तो मुर्दा है ते मुर्दे नू एडा शिंगारना एडे सोने कपड़े पामने ते इतना मन पसंद दा खाना खाना ये सब किस ले खात पीत खेलत हस्त विस्थार कमन अर्थ मृतक सिंगार जो ना सुने जस परमानंदा ते जो कोई प्यार नाल बह के उस परमानंद वाहिरु दा जस नहीं सुनदा जो न सुने जस परमानंदा आखे मनुख नहीं समझते असि उस तो फिर कौन है कह लगे पशु पंखी त्रिगत जोन ते मंदा पशुआ नालों पंखियां नालों त्रिगत जोनी आ कीड़े मकौड़े पेट दे बल चलन वाले जहरीले कीड़े उन्हां सारिया नालों ये मनुख मंदा है जे परमेश्वर दा जस नहीं सुनदा जो न सुने जस परमानंदा क्यों जे सुनेगा नहीं तो समझेगा की जे समझेगा नहीं तो पल्ले की बनेगा जे पल्ले कुछ नहीं बनेगा तो अगा की लै जाएगा सदा इत्थे रहना नहीं ए तो जिंदगी है चार दिन दी जिवें आखिए खेडण दे दिन चार नहीं माए माए चार दिन हन खेडण दे बस खेड लिया इस वेले ब्याह होया आके लै गए पेका घर छुट गया हुण कोई लैन जावे जा अगले भेजण तो ताही आ सकदी है इसे तरह संसार पेका घर है हर जीव दा और इसने जरूर एक दिन छड़ना है जिवें आखे है चूवड़ धीआं नहीं पेके रहना ओड़क सौरे छड़ी ते उत्थे जिस वेले छड़ियां गईयां उत्थे तो गुण वेखने उन्हें क्योंकि मां का नहीं जो पढ़ते ढक लेगी उत्थे तो सच बैठी है तो नहीं जरा आखेगा अच्छा बेटा कोई डर नहीं उत्थे तो सोहरा इस वास्ते उत्थे तो उसकी समाई होवेगी जिसके पल्ले गुण ते गुण इत्थे ताही साडे पल्ले पैणगे जे असी संगत विच आके उसका जस सुना क्योंकि जितना उसका जस है ये सारे उसके गुण हैं और जिवें जिवें कोई उसके गुण प्यार नाल सुनता है वह गुण इसके अंदर आते इसके अंदर आ जाते हैं तो जिस वेले गुण इसके अंदर आ गए वह गुणा का सागर है तो उसके डर लगन वाला उसकी संगत च बहन वाला उस विच भी इतने गुण आ जाते हैं कि उसकी दरगाह विच उसकी समाई हो जाती सात सिंध बोलो श्री तो कृपा सबना से है और खास करके जपन दी पर जप के कोई ए ना आखे भी मैं जपया इस वास्ते नाल सिखाया है जपना जरूर है जितना कर सको उतना करना जरूर है पर करके आखो कि कीता करना सर्व रजाई
किछ कीजै जे कर सकी है अपना कीता किछ ना हो। ये तेरी कृपा नाल होया, ये तेरी रहमत नाल होया। बाकी ये ना के जे मैं नहीं कीता उसकी कृपा नहीं होई, जो उसकी रहमत नहीं, उसकी कृपा है, उसकी रहमत है, जिसने इतना सब कुछ बख्शे है, एक नाम लाई उसने सरफा करना सी, तो ये सानू नहीं सी देना। अखर अखर जपण दियां कीतियां ता कीता ते मुड़ साडे वास्ते बुआ बंद कर देना सी भई ना जपण नहीं। उन्हां ता हर तरीका कीता है, किसे तरह सानू चित आवे श्री वाह, पर चित करके हंकार विच ना आ जाइए। इस वास्ते सहवाग जिन कीता करना सर्व रजाई, किछ कीचै जे कर सकी है, नाल रखो निम्रता कि अपना कीता किछु ना हो। जिवें बूहे ते खड़ोतियां कोई आण के पूछे क्यों जी ये घर किसदा है, ये भी कह सकने हैं मेरा, पर इस तरह कहने नालो जे कह दईए जी तुहाडा ही है, हुक्म करो, मतलब तो एको ही है, पर ये कितना मिठा वचन है। इस वचन विच हों मैं नहीं, निम्रता है, उहदे विच हों मैं आउंदी है जी, मेरा है की काम है। जिमी आसमान का फर्क पै गया, गल 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 ही कोई है। इसे तरह सहवाग दिन करके ये ना आखो मैं कीता, करके आखो तेरी कृपा ना रहे, अपना कीता किछु ना होवे। जो हर भावे त्यों रखी है, मेरे हर जियो सब को तेरे बस। वड्याई फिर अपने प्रभु नू देनी, सब कुछ करके भी फिर वड्डा उसे नू जानना है, आप नू तुच्छ समझना। मेरे हर जियो सब को तेरे वस, असा जोर नहीं जे किछ कर हम सके। साडे विच क्या जोर है जो कुछ असी कर सकी है, ए तां तेरी कृपा नाल, तेरे बल नाल, तेरी बख्शीश नाल जो कुछ कर रहे हैं, कृपा तेरी है। असा जोर नहीं जे किछ कर हम सके, यूं भावे तिवें बख्श, यूं भावे तिवें बख्श। जे संगत विच आ घड़ी नसीब होई है तेरी कृपा नाल, तो हुण लेखे भी लग। माली आखे भई हल तां अखीर तू ही लाउणा है बूटे नूं, तो मैं बीज ही ना बीजा। जे तू बीज ना बीजिया ते बूटा ही ना बणिया, हल किथे लाएगा? हल माली नहीं ला सकदा, बीज माली बीज सकदा। ए बीज बीजना कम माली दा है, फल लाना कम वाहिगुरू दा। माली आके जिथे फल लाने ही उथे बूटा भी आपे बना दे, ये तो उसका गलत तरीका है। बूटा जो उसने लाना है तो फिर तेरे ही बाग में लाना है, खबरे किथे ला दे, किसी जंगल च ला दे तेनू की। तो इस वास्ते जिथे तू बूटा लाना चाहना है, ये समर्था तेनू दिते है वे तू ला ले, पर ला के बेनती कर हे साईं बूटा लाया इनू फल ला, ये असफल ना रहे, क्योंकि सफल वृक्ष वहां है ये फलदायक हो गए। ते जे फल ना लगा तो फिर वही बूटा जिन्हों चाई चाई लाया सी फिर किस काम आएगा, बालन दे कम। बनकी दादी ला करी जंगल नू अग लग गई, खड़ोते खड़ोते वृक्ष झुलस गए, सड़ गए। वो सड़े हुए वृक्ष जेडे खड़ोते रह गए, बाकी हुण रोंदे पए, क्यों भाई क्यों रोंदे पे? अखे एक तो अगे सड़े हाँ, एक अगे सड़े हाँ, जंगल में अग लग गई, आ झुलस गए, सड़ गए। फिर जदों साड़ी नीलामी होवेगी, कोई लुहार ले जाएगा, मुड़ साड़ के सानू कोले करेगा, ते जिस वेले जी कोले हो जावांगे उस वेले मुड़ बालेगा। तो बन की दादी ला करी उबी करे पुकार, मत बस परों लुहार के जारे दूजी वार। तो भाई ये सड़ना नहीं तो फिर फलदार बनना, ते फल साड़ी समर्था नहीं जो असी ला देइए, फल साई ने आप लाना। तो बेनती कीती है जिसे अगे कृपा कीती जे इतनी, सब जियो पिंड दिया तुद आपे। ये शरीर तू साजी है, तू बनाया, सब जियो पिंड दिया तुद आपे, तुद आपे कारे लाया। जे हा तू हुक्म करें तेह को कर्म कमावे, जे हा तुद धुर लिख पाया, पंच तत्त कर तुद सिष्ट सब साजी, कोई छेवा करे
पहले पहले जदों दिल्ली आए एक बजाज के घर अखंड पाठ रखिया सी। तो अखंड पाठा से लोग सड़ते हैं अपनी बिरादरी ते सारे फिर एक ख्याल के नहीं होंगे। बाकी तो कीर्तन सुन के बड़ा प्यार विच आए बड़े झूमे बड़ा सुख माणिया उन्होंने। पर एक कोई ऐसा सी जिस वेले कीर्तन का भोग पिया ते आ गया। ये सृष्टि रब ने किस तरह बनाई? तू कोई लेना दे रब ने किस तरह बनाई है? तू नहीं जाए सवाल करेगा तो जरूरी है भाई तेन इन्हों का जवाब दिता जाए। तो मेरी तसली अज ती किसी कराई नहीं। तू की समझना? मैं समझना रब रुब कोई नहीं। ये तो बंद चो बंदे पैदा पे होंगे पशुआ चो पशु जमदे पे। जे रब बना हो मैनू आखो मैं तुम्हें अखे ठूआ बना दू भाई कि बनाएगा? अके मझ का गोबर से पेशाब लैके मिला के रख दईए कितने दिन ते फिर कुछ दिन बाद जब उस क्ढीए तो बिच बहुत ठूए बन जाते। ठीक वो तू बनाए ना वो गोबर तेरा सी ना ते तू बनाए वो ठूए। ठूआ जरा हों इस अखा नहीं होंगे। मैनू अखा वाल चाहिए लगना दे। जे तू है कोई ऐसा साइंसदान भी मैं तो बना सकना रब दहले कोई भी दखल नहीं तो फिर तू मैं यो जहा बना दे भी जिसकी कम से कम एक अख तो हो गए। चलो दो नस्ते वो जितनिया लत्त आम ठूहिया होंगे ने एक बदगट हो जाए। ये तो भाई वाहगुरु ने वह जर्रे इन्हों चीजा में पाए हुए तो ठूए ही बना सकना है ना बंदा तेन बना सकना। तो जे बंदे की अख निकल जाए तो तू नवी पा देगा? बंदा मर जाए तो उस विश्वास पा सकना? दावा किस गल का कि मैं ठूए बना सकना? तू आख मैं जहर दे के बंदे नू मार सकना इस वास्ते अद्धा रब मैं भी हूं। सारे हसन लग पाए भी इन अज जवाब मिले है। सानू यह बड़िया टीचर करना हूं मैं ठूए बना सकना कुछ होर भी बना। यह तो चार खानियां यह तो सारे नुस्खे अगे निरंकार ने बना के दरे आ साइंसदान जो कुछ पै करते हैं यह सब कुछ अगे बनिया होया। पर गुप्त पे है अज उन्होंने प्रगट कर दिता उन्होंने कोलू तो कुछ नहीं किया। यह तो सब कुछ अगे भी सी। राम जी अगे उड़न खटोले से बह के लंका चो जिस वेले अयोध्या आए थे लोग आखते सन उड़न खटोला गप्पा मारियों अज हवाई जहाज चल रही अखी वेख दे ये उड़न खटोला नहीं तो होर क्या। सतगुरु बोलो श्री वो किसे शक्ल का होगा किसे शक्ल का शक्लां वखरिया वखरिया हो सकदियां ने पर वो विच जिहड़ी चीज़ है वो तो एको ही है। तो हमेशा बंदे नू अपने सृजनहार नू वडियाई देवे करे आप ते करके आखे साहेब ए तेरी कृपा है जो मैं चंगा कम किया है ते जे कर बैठा है मंदा तो आखे मैं सीधा रस्ता है। पर असी चाहते हाँ जिहड़ा चंगा किया है वह तो किया है मैं ते जिहड़ा कर बैठा ना भैड़ा वह तू करवाया। ये उल्टा रस्ता है मनमुखा का रस्ता है साखतां का मार्ग है। असी गुरमुखा के मार्ग जाना एक मार्ग जाना सहभागिन असी इस मार्ग जाना है। भगतां की चाल निराली चाला निराली भगतां के लिए विखम मार्ग चलना लब लोग अंकार तज तृष्णा बहुत नाही बोलना खनियों तिखी वालो निकी ए तुम्हारी चला। साडा ए मार्ग है सतगुरु बोलो श्री साडा मार्ग है गुरसिख मीत चलो गुर चल। हे गुरु के सिखो मित्रो प्यारियो गुरु दी चाल चलो केड़ी जो गुरु कहे सोई हर हर कथा निरंतर जो गुरु आखे सत वचन करो ते करके आफर ना जाओ भी कम मैं कीता नहीं फिर निम्रता विच रहो सब जियो पिंड दिया तुद आपे कारे लाया जेहा तू हुक्म करे ते हे को कर्म कमावे जेहा तुद धुर लिख पाया हर की वडियाई हूं आप न सक। तेरिया इतनिया वडियाइया हैं जिन्हां नूं मैं कह नहीं सकता क्यों के तू है सब तो उच्चा सुचा वड्यों वड्डा ते मैं हम मूर्ख मुगद नीचां।
मैं मूर्ख हां, मुगध हां और नीचा तो नीचा हां। हर की वडियाई हूं आप न साकू, मूर्ख मुगध नीचा, जन नानक कहो हर बख्श ले मेरे स्वामी, शरणागत पया अजान। ये मेरे स्वामी नानक नु बख्श लो, मैं अनजान तेरी शरण आन के पिया, मेरे ते रहम करो, तरस करो। जी अगे कीता जी, तेरा कीता जातो ना, मैनू जोग कितोई, मैं निर्गुण आरे को गुण नाही, आपे तरस पे, मेरे विच गुण कोई नहीं, मैं निर्गुण आरा हां, गुणा तो हीन हां। जिन्हें अगे तेनू तरस आ गया, राह जाने रीठे ते तरस आ गया, मिठा कर दिता, राह जाने पत्थर ते तरस आ गया, पंजा ला दिता, दुनिया पे नहीं होती। कल कोई बंदा किसी नू कहन लगा, भी ऐसे भी तुम गुरुद्वारे हैं ढोकी पंजे साहब से जाने, ये दौड़ भज करनी, इधर उधर जाना। वो मैनू पूछने लगा भी की जवाब होना चाहिए थी, मैनू तो कुछ समझ नहीं आई इस गल की, मैं की आखा। भाई गल है कि हर उस थां ते जाके जड़िया थावां गुरु ने निवाजियां पवित्र कीतियां हन, साडे मन च श्रद्धा लगदियां, उन्हां थावां नू देख के उन्हां दे दर्शन करके साडे मन बदलदे, साडे मन होर दे होर हुंदे। इस वास्ते श्रद्धालु बन के जाना श्रद्धा सहित तां गल होर है, पर हां जे उधरों कोई चीज लिया के इधर ब्लैक करनी है चोरी छुपी, तो मुड़ जाण दी कोई जरूरत नहीं। मुड़ता सगों जेड़े कुन इधरों नाल लै जाएगा वह भी सुहा करके आएगा। यह वक्री गल है, लोड़ वास्ते कोई चीज नहीं है तो अगे आके लोड़ कोई नहीं तो ना सही बेच दो, पर लियानी इसे वास्ते है भी अगर जाके दे दूने चौने कर लांगा, किराया तो निकल जाएगा, तो फिर जान की कोई लोड़ नहीं। फिर लोकाचार दुनिया बहुत है, तू गुरु का सिख है, तू ऐसे मार्ग ना चल, जे तू दूर नहीं जा सकता तो जेड़ा गुरुद्वारा तेनू नेड़े है उसे ही जाके मथा टेक, पर टेक श्रद्धा नाल। जे दूर जाके किते तेरा मन मनदा है, मन लगदा है, तो विशक दूर चला जा, राह विच दस गुरुद्वारे हैं, ते तू लंघ के चला जाए तेनू कोई पाप नहीं, क्योंकि तेनू उथे जाके जो सुख मिलता है ये सुख वास्ते ही साढ़े बनाए गए। तेरा उठे जाके मन लगता है, इतने नहीं लगता तो भाई लाना तो फिर मन है, ते जे उठे जाके भी मन नहीं लगता तो फिर एडिया मंजिला मारन की लड़ कोई नहीं, फिर मत्था ही टेकना, नेड़े तू नेड़े टेक लिया, अपना इतना वक्त क्यों पै लड़ना। तो इस शब्द में साहब सानू समझाते ने किच की क्या, जितना कर सकते हो। गऊ बन दिती है दस गज रस्सा पा के, हूँ बैठी रहे भी मैं तो बद्धी हुई, मैं किवें पुठे खां, मैं उठ के उधर की भी जाना, मैं तो बननी पई था। जितना का रस्सा है बंधन दे हुंदिया भी उसके गल विच बंधन कोई नहीं, वो जा सकती है, जा सकती है, आ सकती है, आजाद फिर सकती है, इस तो परे जावे तो बंधन है, इसके अंदर कोई बंधन नहीं। इसे तरह तू करके तो वेख डेरिया जाई बैठा है, खबरे तेनू इस तो परे जाके बंधन पवे, उरे तेन बंधन ही कोई ना हो, संगत आवन का कोई रुकावट ही ना पवे, तो तू एवं ठेरिया डा के बह जावे, गऊ आके मैं पट्ठे ही नहीं खाती, मैं तो बद्दी पई। जितना का रस्सा है उतना तू जा सकती है, तो कह जानिए साई ने साडे गले विच लंबा रस्सा पाया है, असीं कितों तक जा सकते हैं। जाके तो वेखिए जिथे खिच पवेगी उस तो परे ना जाए, उरे आ जाए, पर जिथों तक खिच नहीं पैंदी कोई नुकसान नहीं हुंदा, उथों तक तो उठ के जा। जित जाए बइए सतसंगति, जिथे हर का हर नाम बिलोई है, ये तेरी तबीयत खराब हुंदी है सवेरे उठदिया मुड़ ना उठ, पर जे सवेरे उठदिया तेरी तबीयत ताज़ा हुंदी है, चंगी हुंदी है, फिर तो उठ के संगत में आ। बाबा जी आखदे सन 40 दिन तो अजमा लै, और निकम्मियां डाक्टरां दीआं दवाइयां भी लै के खा गया, अजमाइश करने वास्ते पैसे भी पुटे, आराम ना आया तो डॉक्टर बदलिया, पर तू तो एक पूड़ी भी जे नहीं खाती। तो दोस्त दिन है डॉक्टर, ये तो वैदा का वैद है, छोटे होंगे पढ़ते स आ गया बाबा वैद रोगिया, ये तो सारे रोगियों का वैद है, तेन कोई भी रोग है दवाई इतों ही मिलेगी। तो सब तो व्डा रोग तो है होमे का, तो साहब साड़ी होमें दे रोग नू कटने वास्ते सानू अरदास पै समझांदे ने।
कीता करना सर्व रजाई, किछ कीचै जे कर सकी, अपना कीता किछु न होवै, ज्यों हर भावे त्यों रखिए, मेरे हर जियो सब को तेरे बस, असा जोर नाही जे किछ कर हम साके, ज्यों भावे तिमें बस। हम कीर्तन समाप्ति होना चुका, बखनिया वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।